हेलो गाइज, वेलकम टू माय सोशल मीडिया अकाउंट। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, वीडियो से मैं आगे बढ़ने से पहले वीडियोस को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को एंड तक वॉच जरूर कीजिए। तो गाइज, ये देख सकते हो आप, लाइव स्नोफॉल हो रही है। तो आप देख सकते हो ये जो स्टॉल हमारा, इस पर भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो चुकी है। और इधर देख सकते हो आप, रास्ते में भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो चुकी है और मेरे ऊपर भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो चुकी है। ये देख ही सकते हो, आपको बैक साइड का भी दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हो गाइज, आप स्नोफॉल लाइव लगी, स्नोफॉल हो रही है। देख सकते हो बिल्कुल ही वाइट हो चुका है। स्टॉल के छत को दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो लाइव स्नोफॉल नारकंडा टू पिक से। यहाँ स्नो एक्टिविटीज भी होती है गाइज। तो ये देख सकते हो गाइज, आप स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई है। देख सकते हो ऊपर के रास्ता कुछ स्नो से ढक गया है। ये गाड़ी भी देखो नीचे को जा रही है, पर गाइज इसमें हम भी जाएंगे। तो ये देख सकते हो गाइज, अभी भी स्नोफॉल हो ही रही है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, रोड काफ़ी देखो काफ़ी रिस्की हो चुका है, क्योंकि ये बर्फ सारी रोड पर जम चुकी है। इसमें गाड़ी ड्राइव करना काफ़ी रिस्की हो जाता है गाइज। और ऊपर से लाइव स्नोफॉल फिर भी हो ही रही है, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेक मारते तो लगती नहीं, क्योंकि बिल्कुल बर्फ की मतलब एक एक दो दो इंच बर्फ जम चुकी है रोड पे। ओनली 4x4 जा उतर रही है, बाकी कोई कार नीचे को जा नहीं रही है। बाकी सारी गाड़ियाँ खड़ी करवा दी है यहीं पर, और जो 4x4 है ओनली वही जा रही है। ये भी इसलिए लाइट मार रहे कि नीचे से कोई गाड़ी आए तो साइड पहले ही अपनी गाड़ी साइड में खड़ी कर दे, जिससे ऊपर से आने वाली कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्की हो जाता है गाइस। इसमें गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, बिल्कुल ही बर्फ जमी हुई है रोड पे। थोड़ा थोड़ा आपको ब्लैक दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा ऐसे ना ब्लैक है इस पर, तो उस वजह से यहाँ पर ये भी थोड़ा ब्लैक है, काफ़ी ज़्यादा जम चुकी है। और ये देख सकते हो गाइस, हमारी जो स्टॉल है उसकी छत पे इतनी स्नोफॉल जमी हुई है। देखो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने को तो, बट लेकिन ये मतलब काफ़ी ज़्यादा स्नो जमी हुई है या आइस बना हुआ है, बट इसका देख सकते हो गाइस वीडियोस में आप। ये देख सकते हो आर पार को भी जो ब्लैक आइस थी बिल्कुल वाइट हो चुकी है। आस पास भी जो टेबल वगैरह थे लगाए, उस पर भी फुल स्नो जम चुकी है। ये देख सकते हो गाइस आप लोग, जो ब्लैक आइस थी वो बिल्कुल वाइट हो चुकी है नारकंडा हाथी पिक में। ये देख सकते हो गाइस आप,